गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून मैम. हाउ आर यू ऑल? फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? बेटा आई एम आल्सो फाइन. तो आज हम स्टार्ट करने वाले पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम आज? हैदराबाद. वी विल स्टार्ट अबाउट हैदराबाद. तो ये जो लास्ट डे हम लोगों ने रीड किया था, थ्री स्टेट जो थे उनमें हैदराबाद, हैदराबाद में देखिए क्या है. निजामुल मुल्क असफ जा द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट. निजामुल मुल्क असफ जहां कौन था? फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट. हैदराबाद स्टेट की स्थापना करने वाला था. इसने हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल उल मुल्क असफ जाह ने. ये फाउंडर था, बनाने वाला था. वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ मुगल इम्परर फरुख सियार. और ये जो निजामुल मुल्क असफ जाह जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर, ये एक पावरफुल मेंबर था कहां? मुगल इम्परर के कोर्ट में, मुगल साम्राज्य के कोर्ट में, मुगल जो दरबार था उस कोर्ट में, जो फारूक सियार थे उनके कोर्ट में ये मोस्ट पावरफुल मेंबर था. ही वॉज स्ट्रोस्ड फर्स्ट विथ द गवर्नरशिप ऑफ अवध. सबसे पहले इसे क्या किया गया था? गवर्नरशिप अवध की सौंप दी गई थी. अवध का किंगडम, अवध का राज का इसे गवर्नर बना दिया गया था. एंड लेटर, और बाद में गिवन चार्ज ऑफ डक्कन, और बाद में इसे चार्ज दे दिया था डक्कन का, डक्कन के इसे चार्ज दे दिया गया था एज द मुगल गवर्नर ऑफ डक्कन प्रोविंसेस. जो एज द मुगल गवर्नर, अब ऐसा किसने किया था? एज द मुगल गवर्नर ऑफ डेकन, डेकन प्रांत के मुगल गवर्नर जो थे उनकी वजह से क्या हुआ था? असफ जहां ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर, उसने पूरा जो है कंट्रोल कर लिया था. मुगल गवर्नर के कारण ही, उनकी वजह से ही क्या हुआ था कि डेकन साम्राज्य पर असफ जहां ऑलरेडी पूरी तरह से पहले से उसने फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल कर लिया था ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए वो उसने क्या किया था, पूरा राजनीतिक और जो वित्तीय प्रशासन था उसे पूरी तरह से असफ जहां ने कंट्रोल कर रखा था. किसकी वजह से? मुगल गवर्नर की वजह से उसने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर लिया था. फिर क्या था? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेकन. टेकिंग मीन्स ले लेने के बाद, पूरा साम्राज्य जो है उसने ले लिया. फिर क्या किया कि टर्मोइल मीन्स उपद्रव फैला दिया इनटू द डेकन. सारा साम्राज्य लेने के बाद में उसने उपद्रव फैला दिया एंड द कंपटीशन अमंग द कोर्ट नोबिलिटी, और कंपटीशन हो गया अमंग द कोर्ट, कोर्ट जो नोबिलिटी के कोर्ट में जो अभिजात लोग थे उनके कोर्ट में क्या हुआ? कंपटीशन हो गया.
ही गैदर्ड पावर, जिसकी वजह से उसने बहुत से पावर को इकट्ठा कर लिया, बहुत पावरफुल हो गया. ऑन हिज हैंड, अपने हाथों पे उसने बहुत सी शक्ति ली एंड बिकम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन, और उस क्षेत्र का वो एक्चुअल में वास्तव में वहां का रूलर बन गया. कौन था ये? असफ जाह. असफ जाह जो था वो वहां का रूलर बन गया. और फिर देखिए क्या हुआ. असफ जाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्डर. अब असफ जाह क्या ले आया, जब वहां का वो रूलर बन गया, पूरी तरह से उसका ही आधिपत्य हो गया, तो उसने क्या किया कि असफ जाह बॉट स्किल्ड सोल्डर, कुशल सैनिकों को वो ले आया. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थन इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ. अब इसके बाद क्या किया, उसने बहुत से सैनिक ले आए और क्या किया, बहुत से प्रशासकों को ले आया फ्रॉम नॉर्थन इंडिया से. नॉर्थन इंडिया से असफ जाह जो है बहुत से कुशल सैनिकों को और प्रशासकों को ले आया. अब उसने वेलकम द क्या किया, हु जिसने वेलकम्ड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन साउथ. अब साउथ में उनकी वजह से बहुत से अवसर मिल गए, बहुत से उसे अवसर मिल गए. किस चीज के अवसर मिले? फेमस होने के लिए, मीन्स अपना प्रचार प्रसार करने के लिए. ही अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट कर दिया, उसने नियुक्त किया. किसे नियुक्त किया? मनसबदार एंड ग्रैंडेड जागीर. अब उसने मनसबदार को और जो जागीर थे उनके पास जो जागीरें थी उसके लिए मनसबदार को उन्होंने नियुक्त कर दिया. आल्दो